हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ कि एक वीडियो से रिगार्डिंग कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिजल्ट की डेट कंफर्म हो चुकी है कि आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कॉपियाँ आप लोगों की पूरी तरीके से चेक हो चुकी हैं और रिजल्ट भी अपडेट होने लगे हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं टाइम है। आप लोगों का रिजल्ट है जो कि फर्स्ट वीक में अक्टूबर में आने वाला है, क्योंकि कुछ ये हमारी जो वीकेंड्स है और जो छुट्टियां थी उनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है रिजल्ट। तो आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, विद इन अ वीक आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग अपने एकेटीयू वन व्यू की साइट पर आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। और हाँ, मैं बताने वाला हूँ कैरी ओवर और जो कि हमारे वो एग्ज़ाम थे उनका रिजल्ट भी साथ में ही आ जाएगा, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है जो कि सबसे पहले आने वाला है। और आप लोग कोई भी काउंसलिंग से आप लोगों को शेड्यूल की रिगार्डिंग वीडियो है तो जो मैंने पिछली वीडियो में डाला है तो आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब हो रही है, सेकंड राउंड काउंसलिंग कब हो रही है। तो ये देखिए 6 से 7 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। पहले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा क्योंकि 5 तारीख को दशहरा है, दशहरा के अगले ही दिन मंडे या ट्यूजडे के ही आप लोगों का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, जिससे आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि रिजल्ट कब आने वाला है। फर्स्ट ईयर का पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद सेकंड ईयर का आएगा। और एमबीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है, क्योंकि वो सैटरडे को भी आ सकता है हमारा एमबीए का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट। और उसके बाद में आप लोगों का फर्स्ट ईयर आएगा, फर्स्ट ईयर की सभी ब्रांचेज जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी, सीएस, कंप्यूटर, ईसी जितनी भी ब्रांच है सबका एक साथ आता है। फिर उसके बाद में सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा हमारा, कि आप लोगों का पूरा कंफर्म कर दिया जाएगा। और हाँ, ये एडिशनल कैरी ओवर का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट दी गई है वो मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट डेट कब है एडिशनल एग्ज़ाम कैरी ओवर एग्ज़ाम। तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जवान, जय किसान।